वेलकम बैक ब्लेडर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी की वजह से मैं भी हमेशा की तरह बढ़िया हूँ। सो आज फिर से आ चुका है हमारा मीटियोर ड्रैगन, लेकिन हमने स्टील स्पिन मोड अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले में। तो सिंपल सी होगी बैटल, जिसमें हम अपने मीटियोर ड्रैगन करेंगे हैंड स्पिन और बाकी हमारे पास जितने मेटल बेस है उन सबको करेंगे लॉन्चर से लॉन्च। तो देखते हैं क्या हमारा मीटियोर ड्रैगन सभी से स्टील स्पिन कर पाता है, और अगर सबसे करेगा तभी इस बैटल को जीतेगा। तो करते फटाफट से वीडियो को बिगिन, लेकिन इंट्रो तो लगा दो ब्रदर। सो देखते हैं कौन बनता है हमारे मीटियोर ड्रैगन का पहला अपोनेंट। तो गाइस, जो बैटल होने वाली है वो होने वाली है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल्स के बीच, जो कि है जिंगा का स्टॉर्म पेगासस वर्सेस हमारा अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला स्टील स्पिन मीटियोर ड्रैगन। सो स्टॉर्म पेगासस हो चुका है लॉन्चर के अंदर फिट, एंड 3, 2, 1 और हैंड स्पिन एंड लेट इट रिप। सो गाइस, कितनी स्मूथ बैटल हो रही है भाई, मेडल की तो क्लैश होने की आवाज ही नहीं आ रही जरा सी भी। और गाइस, ये तो टाई था गाइस, प्रॉपर टाई था। तो एक बार और करना पड़ेगा, कोई नहीं, करते हैं एक बार फिर से। सो 3, 2, 1 एंड हैंड स्पिन और लेट इट रिप। तो गाइस, अटैक टाइप बेबलेट से स्पिन को स्टील करना थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ बेस। और गाइस, कुछ रिजल्ट निकल के मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट इस बार मेरे को लगा कि शायद स्टॉम्प पैगासस से जीता है थोड़ा सा। तो भाई कोई नहीं, नेक्स्ट बे आते हैं गाइस, ये तो अजीब सा हो रहा है, कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट बे कौन सा आता है। तो गाइस, मैंने लाइटनिंग एंड ड्रैगन इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि वो ऑलरेडी लेफ्ट स्पिन है। तो इस बार आया हमारा फ्लेम लीब्रा। तो क्या लीब्रा से स्टील स्पिन कर पाएगा हमारा मीटियोर ड्रैगन? सो 3, 2, 1 एंड हैंड स्पिन और लेट इट रिप। So, यहाँ पे गाइस, स्टील स्पिन का सिलसिला हो चुका है चालू और स्पीड को काफी बढ़िया तरीके से गेन कर रहा है हमारा मीटियोर ड्रैगन। बट थोड़ा सा चालाक है हमारा फ्लेम लीब्रा, जब स्टील स्पिन होने लगती है तब वो क्या गाइस, इस टाइम पे अपनी स्पिन दे रहा है बढ़िया से मीटियोर ड्रैगन को, और फ्लेम लीब्रा से काफी इजीली तो निकलेंगे, बट जीत गया हमारा मीटियोर ड्रैगन। तो गाइस, ये वाला जो मोड है स्टील स्पिन काफी बढ़िया तरीके से करता है। तो लाते हैं नेक्स्ट बेस, जो कि है हमारा फेक वाला रॉकलियर। तो गाइस, फेक बेस को बात के लिए रखते हैं, इनको एक साथ ही लॉन्च करेंगे मीटियोर ड्रैगन के खिलाफ। तो देखते हैं कौन सा आता है। इस बार आया हमारा मेटल मास्टर सीरीज का गैलेक्सी पेगासस। सो स्टॉर्म पेगासस तो जीत गया था मेरे ख्याल से, हाँ, क्या गैलेक्सी पेगासस भी जीत पाएगा? So 3, 2, 1 and hand spin और let it rip। पर गाइस, मेरे को लॉन्च ही करना नहीं आया अभी तक, तो अभी करके देखते क्या हो पाएगा। एंड let it rip। तो गाइस, काफी ज्यादा हल्की स्पीड है, बट गाइस स्पिन को बिल्कुल हल्के से बस कांटेक्ट में आने से ही स्टील स्पिन कर लेता है भाई ये वाला मोड, सीरियसली में अल्टीमेट वाला मीटियोर ड्रैगन। और यहाँ पे अभी जीतता है हमारा मीटियोर ड्रैगन अल्ट्रा प्रो मैक्स। क्या नाम रख दिया गाइस मैंने। तो ऐसे ही होता है गाइस। सो जो नेक्स्ट अपोनेंट है हमारे मीटियोर ड्रैगन के लिए वो है द ट्विस्टेड टेम्पो। तो क्या टेम्पो कुछ कर पाएगा? सो 3, 2, 1 और हैंड स्पिन। तो गाइस, मैं जितना ट्राई कर रहा हूँ कि हल्का स्पिन करूँ ताकि प्रॉपर स्टील स्पिन देखने को मिले, और जो कि देखने को मिल रही है। और यहाँ पे गाइस, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि स्टील स्पिन ज्यादा नहीं हो पा रही, बट इस मेटल की टकराने की आवाज तो अभी नहीं आ रही है। बाकी देखते हैं क्या स्टील स्पिन हो पाएगी। और यहाँ पे दोनों काफी वॉबल हो रहे हैं, और नहीं गाइस, यहाँ पे ट्विस्टेड टेम्पो जीतता है हमारे ये क्या था गाइस मीटियोर ड्रैगन से।
तो गाइस एक बार और करेंगे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा भाई। इतनी मेहनत से क्या मैं सर्वर लगाया था, बट फिर भी गाइस हम हार तो ही नहीं देख सकते अपने मीटियोर ड्रैगन को। सो 3, 2, 1 और हैंड स्पिन एंड लेट इट रिप। तो यहाँ पे गाइस स्पीड को काफी अच्छे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे मीटियोर ड्रैगन, और जो कि देखने में पता चल भी रहा है। और गाइस यहाँ पे अब भी जीता है ट्विस्टेड टेम्पो। तो गाइस ट्विस्टेड टेम्पो क्लियरली जीतता है मीटियोर ड्रैगन से, क्योंकि गाइस इसका पूरा ही सरफेस गोल है, तो स्टिल स्पिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है राउंड बेस के खिलाफ में, क्योंकि कोई कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं होता इनके पास, मेन बात ये है। तो लाते नेक्स्ट पे जो कि है हमारा ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर। वैसे ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर लेफ्ट स्पिन भी है और राइट स्पिन भी है, तो क्या गाइस चाहते हो कि ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर के अंदर भी ये वाला मोड डबल मोड ट्राई करा जाए, बताना कमेंट्स में। वैसे गाइस कमेंट तो आप करते नहीं हो, बट फिर भी अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी कर देना गाइस, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलती है। सो 3, 2, 1 और हैंड स्पिन एंड लेट इट रिप। तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टार्ट करी यहाँ पे ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर ने, जिससे हमारा मीटियोर ड्रैगन को भी आ गया गुस्सा और काफ़ी खतरनाक तरीके से स्पीड को पकड़ा है यहाँ पे मीटियोर ड्रैगन ने। बट यहाँ पे शायद स्टिल स्पिन नहीं हो पा रही है ऐसा देखने में लग रहा है मेरे को। और हाँ गाइस यहाँ पे ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर जीता है थोड़ा सा, बट गाइस स्टिल स्पिन काफ़ी अच्छी कर रहा है, लेकिन जीत नहीं पाया हमारे मीटियो एल ड्रैगन, हमारे ट्विस्टेड टेम्पो से भी और ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर से भी हार ही गया। तो एक बेटर ऑर्डर करके देख लें, चलो कोई नहीं करके देख ही लेते हैं। सो 3, 2, 1 एंड हैंड स्पिन और शूट। तो यहाँ पे गाइस मीटियो एल ड्रैगन ने काफी खतरनाक स्पीड पकड़ ली है और अपने अटैकिंग पैटर्न बनाते हुए ट्राई कर रहा है थोड़ा सा काउंटर करने की हमारे ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को मीटियोर ड्रैगन, और शायद से जीत जाएगा इस बार। बट नहीं गाइस यहाँ पे ट्विस्टेड टेम्पो और ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर ने बेइज्जती कर दी हमारे मोड की। तो कोई नहीं, लाते हैं हमारा नेक्स्ट बेब्लेड जो कि है नन अदर देन एक और डिफेंस टाइप बे रॉक लियोन। तो गाइस डिफेंस टाइप बेस जीते हैं अभी तक हमारे मीटियोर ड्रैगन से, तो क्या रॉक लियोन भी जीत पाएगा देखते हैं इसी वीडियो में। सो 3, 2, 1 एंड हैंड स्पिन और लेट इट रिप। सो यहाँ पे फिलहाल तो एच के पास घूम रहा है ज्यादा हमारा रॉक लियोन और कम ट्राई कर रहा है कांटेक्ट में आने की मीटियोर ड्रैगन के, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट में आ रहा है वहाँ पे स्टिल स्पिन स्टार्ट हो जाती है हमारे मीटियोर ड्रैगन की, और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नीचे झुक चुका था, बट जीतता है हमारा मीटियोर ड्रैगन। तो करते हैं हमारे अनदर बे की तरफ मूव जो कि है फ्लेम सजिटीरियो। तो गाइज अगर आपको याद हो मेटल फाइनल सीजन क्या नाम था गाइज मैं भूल गया, शिट और
यहाँ पे गाइस हमारा मीट रायुगा का मीटियोर ड्राइव जीता है फ्लेम लिब्रा से भी। तो गाइस मेंटर तो हमेशा स्ट्रांग रहता है ये अपने स्टूडेंट से। सो इसमें हमारे को ये तो देखने को पता चलता है कि काफ़ी अच्छे स्टिल स्पिन कर सकता है हमारा ये वाला मोड सभी बेस के खिलाफ, बट हमारे ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर और ट्विस्टेड टेम्पो से हार गया अनफॉर्चुनेटली। सो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर मजा आया हो तो बोलो ब्रदर। तो गाइस अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो की लाइक, और हाँ इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।